नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। आईपीएल 11 में रोमांचक जीत ने बेंगलोर की उम्मीदों को रखा जिंदा। येदियुरप्पा को शनिवार शाम 4 बजे बहुमत साबित करने का आदेश। उत्तर प्रदेश में रमजान में महिलाओं के लिए खास हेल्पलाइन। पासवान ने कहा कि पाकिस्तान से चीनी आयात पर नहीं लगाई जा सकती रोक। राजद ने बिहार में, कांग्रेस ने गोवा में सरकार बनाने का दावा पेश किया। कुमार स्वामी ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस विधायकों को सुरक्षित रखेंगे। नीरव मोदी मामले के खुलासे में देरी पर सेबी ने पीएनबी को चिताया। वाराणसी पुल हादसे में जांच समिति ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी। आईपीएल 11 में चेन्नई का सामना दिल्ली से आज। कर्नाटक में सियासी ड्रामा के बीच मोदी ने देवगौड़ा से बात की। उत्तर प्रदेश में पूर्णागिरी जा रहे श्रद्धालुओं को ट्रक ने कुचला, 9 लोगों की मौत। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि रजनीकांत को राजनीति में नहीं आने की हिदायत देता। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भाजपा को कर्नाटक में विश्वास मत जीतने का भरोसा।